Hello everyone, welcome back to our channel Basic Concept, back to basic. Okay, सबसे पहले इस वीडियो में हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं. हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था फाइलम सीलेंट्रेटा, फाइलम पॉलीफेरा. इस वीडियो में हम दो फाइलम और पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जो सबसे ज़्यादा लाइफ एंडेंजरिंग पैरासाइट्स जो होते हैं वो हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है बहुत टाइम से, ठीक है. इनको हम ब्लड फ्लूक्स बोलते हैं. ये क्या करते हैं, इनमें कुछ एबिलिटी होती है खुद को रीजनरेट करने की, पुनर्जन्म करने की, इनकी पुनर्जन्म की इनकी एबिलिटी होती है. तो ये किसी भी एनवायरमेंट में, सर्वाइव कर सकते हैं. ओके, सो इनको हम बोलते हैं, जनरली हम इनको बोलते हैं वर्म्स. और ये होते हैं इंक्लूडेड एक फाइलम में जिसका नाम है प्लेटीहेल्मिंथीज. ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा आइडिया मिल गया होगा कि हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं. इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे. सबसे पहला हम पढ़ेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिंथीज, सेकेंड हम पढ़ेंगे फाइलम निमेटोडा. ओके, हम ये दो फाइलम साथ में क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि आपके लिए ये समझना ईजी हो जाए कि ये हमने इनको कैसे कैटेगराइज किया है. ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एक चार्ट बताया था जिसमें हमने एनिमल्स को कैटेगराइज किया था. स्पॉन्जेस में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, सीलेंट्रेट्स में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था. उसके बाद आया ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें दो चीज़ें हमने पढ़ी थी, एक जिसमें सीलोम होता है, जिसमें सीलोम नहीं होता है. तो जिसमें सीलोम नहीं होता है मतलब जिसमें शरीर की गुहा नहीं होती है, जो एसीलोमेट्स होते हैं, उनमें हमने दो चीज़ें देखी थी, प्लेटीहेल्मिंथीज एंड निमेटोडा. इसीलिए हम इस वीडियो में दोनों चीज़ें साथ में पढ़ेंगे, ताकि आपको आगे कन्फ्यूजन ना रहे, आपके लिए समझने के लिए बहुत ईजी रहे कि प्लेटीहेल्मिंथीज और निमेटोडा को हमने किस वे में कैटेगराइज किया है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले प्लेटी से आप एक राइम बना सकते हैं, फ्लैट प्लेट फ्लैट. ठीक है, प्लेटीहेल्मिंथीज एक्चुअली वो वर्म्स होते हैं जो कि फ्लैट वर्म्स हम जिनको बोल सकते हैं, या टैप वर्म्स हम जिनको बोलते हैं. ओके, लेट मी टेल यू, इनको हम या तो फ्लैट वर्म्स बोल सकते हैं, जस्ट अ मिनट, इनको हम या तो फ्लैट वर्म्स बोल सकते हैं या टैप वर्म्स बोल सकते हैं. फ्लैट मतलब इनकी जो बॉडी रहती है वो चपटी रहती है. ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे एक वर्ड, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड. डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड मतलब डॉर्सो वेंट्रली मतलब ऊपर नीचे से चपटी बॉडी होती है इनकी, इसीलिए हम इनको बोलते हैं फ्लैट वर्म्स. सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि इनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होगा, क्योंकि ये इनवर्टिब्रेट्स हैं. नेक्स्ट चीज आती है, इनमें पहले इनको एक अलग ग्रुप में रखा हुआ था वर्म्स, वर्मीज करके, क्योंकि इनको वर्म समझा जाता था. लेकिन बाद में जैसे जैसे इनके कैरेक्टर सामने आए, तो हमने इनको एक अलग फाइलम में रखा. उसका नाम हमने फाइलम का नाम लिखा प्लेटीहेल्मिंथीज. ओके, पहले इनको वर्मीज में रखा था क्योंकि ये वर्म लाइक एनिमल्स थे, मतलब कीड़े जैसे एनिमल्स थे ये. लेकिन बाद में इनको हमने प्लेटीहेल्मिंथीज फाइलम में सेपरेट किया. मैंने आपको बताया इनको वर्म्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फ्लैटेंड, फ्लैटेंड मतलब चपटे होते हैं, डॉर्सो वेंट्रली. डॉर्सो मीन्स पृष्ठीय भाग, वेंट्रल मीन्स उदर भाग. ठीक है, तो डॉर्सो वेंट्रली मतलब आगे और पीछे, ऊपर या नीचे से हम बोल सकते हैं ये कैसे होते हैं, चपटे होते हैं. इसीलिए हमने इनको क्या बोला, फ्लैट वर्म्स या टैप वर्म्स. अब ये या तो फ्री लिविंग हो सकते हैं, फ्री लिविंग मतलब अपना खाना खुद कहीं से भी लेके खा सकते हैं, या तो ये डिपेंडेंट हो सकते हैं. डिपेंडेंट कैसे, पैरासाइट, जो परजीवी होते हैं. पैरासाइट मतलब क्या होते हैं, कि वो एनिमल्स या वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है अपने फूड के लिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मॉस्क्यूटो. मॉस्क्यूटो हमारे ब्लड पे डिपेंड करता है या किसी एनिमल के ब्लड पे डिपेंड करता है सर्वाइव करने के लिए. ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, या तो फ्री लिविंग होंगे या पैरासिटिक होंगे, मोस्टली एंडो पैरासिटिक. एंडो पैरासिटिक मतलब वो पैरासाइट्स जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं उनको हम बोलेंगे एंडो पैरासाइट. ओके, तो ये मोस्टली कैसे रहते हैं, प्लेटीहेल्मिंथीज हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि जो वर्म्स रहते हैं, या जो पोटेंशियली थ्रेटेंड एंडेंजर्ड, सॉरी, जो हमको हमारे लिए जो डेंजरस होते हैं,
वो कहाँ रहते हैं, ह्यूमन बॉडी में रह सकते हैं बहुत सालों से या तो रहते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने इनको क्या बोला कि ये कैसे हैं, एंडो पैरासिटिक हैं। अब इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब जहां से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका जो होता है उसमें कुछ टाइप की सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं फ्लेम सेल्स। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इसको अच्छे से ध्यान रखना कि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि एक्सक्रीटरी जो वी कैन से एक्सक्रीटरी पार्ट जो होता है प्लेटीहेलमिंथीज का, वो क्या होता है, वो एक्चुअली होती हैं फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स क्या करती हैं, इनकी ओपनिंग होती है और ये जो वेस्ट मटेरियल रहता है बॉडी का उसको एलिमिनेट करने में हेल्प करती है। ओके, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, अगर हम और देखें तो सबसे पहला हमने पहले पढ़ चुके हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं, सेगमेंट्स क्या होते हैं, सिमेट्री क्या होती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। मैं एक बार वापस आपको इस वीडियो में बताती हूँ। सबसे पहला ये होते हैं अनसेगमेंटेड। अनसेगमेंटेड मतलब इनमें कोई सेगमेंट्स या इनमें कोई अनुभाग नहीं होता है। मतलब आपने अगर अर्थवॉर्म को देखा होगा तो अर्थवॉर्म में आपको लाइंस दिखेंगे उसकी पूरी पूरी बॉडी पे, उसको हम बोलते हैं सेगमेंट्स की उसकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। लेकिन प्लेटीहेलमिंथीज कैसे होते हैं, पूरे प्लेन होते हैं, सॉफ्ट बॉडीड होते हैं जिसमें सेगमेंट्स नहीं होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक, आपको मैं एक एग्जाम्पल अगर दूँ सेगमेंटेशन का, तो फॉर एग्जाम्पल ये एक वर्म है, बाहर से कुछ वर्म्स जो रहते हैं वो ऐसे सेगमेंट्स में डिवाइडेड रहते हैं। क्या आपने ये सेगमेंट प्लेनेरिया में या फेशियोला में देखा है कभी, आपने अगर उनका डायग्राम देखा हो तो? नहीं, क्योंकि उनमें सेगमेंट नहीं होता है। इनकी बॉडी कैसी होती है, अनसेगमेंटेड होती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब हमने देखा था जर्म लेयर्स, जर्म लेयर मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। तो जिसमें एक्टोडर्म और सिर्फ एंडोडर्म होता है उनको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, और जिसमें तीनों चीजें होती है उनको हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो प्लेटीहेलमिंथीज कैसे एनिमल्स हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं। ओके, नेक्स्ट बायलेटरली सिमेट्रिकल। बायलेटरली सिमेट्रिकल मतलब अगर हम उनको सेंट्रली सेंट्रली कट करेंगे तो वो हमें दो इक्वल पार्ट्स देगा, लेफ्ट एंड राइट, और दूसरे रीजन से कट करने पे वो हमें एग्जैक्टली सिमिलर पार्ट नहीं देगा। इसीलिए हमने क्या बोला, प्लेटीहेलमिंथीज कैसे हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं। मैंने आपको पहले बताया बॉडी कैसी है इनकी, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड मतलब ऊपर नीचे से कैसी होती है, इनकी बॉडी चपटी होती है, इसीलिए हम इनको फ्लैट वर्म्स बोलते हैं। नेक्स्ट, इनमें गूदा या एनस नहीं होता है, ठीक है। इनमें जो इनके बॉडी के पोर्स हैं वो आउटसाइड ओपन होते हैं और वो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, लेकिन इसमें एनस नहीं होता है और इसमें सीलोम भी नहीं होता है। सीलोम मतलब जो शरीर की गुहा होती है वो नहीं होती है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ए सीलोमेट्स। क्या बोलते हैं इनको हम, ए सीलोमेट्स। यूजुअली हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट मतलब जिनमें दोनों सेक्स मेल और फीमेल दोनों एक में होते हैं उनको हम बोलते हैं हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स। ओके, तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक प्लेटीहेलमिंथीज के। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये डायग्राम है फेशियोला का। इसमें हम देखेंगे कि क्या इसमें बॉडी कैरेक्टर्स क्या होते हैं इसमें, या हम बोलेंगे कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला माउथ, नेक्स्ट ओरल सकर। ओरल सकर एक्चुअली क्या करता है, ओरल सकर और वेंट्रल सकल जो है ये ब्लड वेसल्स में या इंटेस्टाइन की वॉल में इसको अटैच होने के लिए हेल्प करता है, ताकि ये वहां से फूड ले सके, वहां से खुद का खाना ले सके। तो ओरल सकर और वेंट्रल सकर जो है ये दोनों चीजें इस एनिमल को अटैच होने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट हम देखें जेनाइटल पोर। जेनाइटल पोर मतलब क्या होता है, जनांग छिद्र मतलब ये कॉमन ओपनिंग होती है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों की कॉमन ओपनिंग क्या होती है, जेनाइटल पोर। ओके, लास्ट होता है एक्सक्रीटरी पोर। एक्सक्रीटरी पोर
एनस नहीं है गाइस, इसको कंफ्यूज मत होना, ये एक्सक्रीटरी पोर के एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू जो भी वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर आ जाता है. ओके, हमने देखा था धीरे धीरे इवोल्यूशन होता है, धीरे धीरे डाइजेस्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट होता है. स्पॉन्जेस में नहीं था, सीलेंट्रेट्स में भी नहीं था, प्लेटी हेलमिंथीज में थोड़ी बहुत चीज़ें आई, निमेटोड्स में और चीज़ें आई, वैसे वैसे करके जैसे डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो भी डेवलप होते गए. ओके, तो इनमें प्रिमिटिव टाइप का हम बोल सकते हैं कि प्रिमिटिव टाइप के इनके अंदर सिस्टम प्रेजेंट थे. ओके, अब अगर हम देखें तो प्लेटी हेलमिंथीज को मेन फोर क्लासेस में डिवाइड किया गया है. सबसे पहला ट्यूबल एरिया, ये इनके अलग अलग कैरेक्टर्स के बेसिस पर इनको डिवाइड किया है. ट्यूबल एरिया जिसमें आ जाएगा प्लेनेरिया, ट्रिमेटोडा इसमें आ जाएगा, फेशियोला, हेपेटिका. इसको हेपेटिका क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लिवर जैसा इसका शेप होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हेपेटिका. तो फेशियोला, हेपेटिका, ट्रिमेटोडा क्लास का है. फिर टीनिया सोलियम, ये सिस्टोडा का है. फिर नेमर टीनिया, इसमें एम्फीपोरस आ जाएगा. ओके, तो ये चार क्लासेस हैं मेनली जो हमने जिसमें हमने प्लेटी हेलमिंथीज को डिवाइड किया है. ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि एक्चुअल में ये सारे एनिमल्स दिखते कैसे हैं. आप देख रहे हो ये प्लेनेरिया फ्लैट दिख रहा है, ऊपर नीचे दोनों तरफ से ये फ्लैट है. फेशियोला ये लिवर के शेप का दिखता है और ये भी फ्लैट चपटा होता है, इसीलिए हमने इसको बोला फेशियोला हेपेटिका. टीनिया सोलियम आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, ये भी फ्लैटेंड होता है. ओके, ये जो आपको यहाँ पे सेगमेंट्स दिख रहे हैं ये सिर्फ आउटर सेगमेंट्स होते हैं, इंटरनली इनकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है, इसीलिए हमने इनको अनसेगमेंटेड एनिमल्स में रखा है. नेक्स्ट आपको यहाँ दिख रहा है एम्फीपोरस, एम्फीपोरस भी डोर्सो वेंट्रली चपटा होता है. ओके, सो गाइज ये था हमारा फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज. प्लेटी हेलमिंथीज में सबसे मेन बात आपको याद रखना है फ्लेम सेल्स, और दूसरा इनको प्लेटी हेलमिंथीज या फ्लैट वर्म्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है. ओके, अब अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो अब आता है फाइलम निमेटोडा. ओके, फाइलम निमेटोडा में सबसे पहले अगर हम इसे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इनको हम बोलते हैं राउंड वर्म्स. राउंड वर्म्स मतलब अब ये फ्लैट नहीं है, आपको दिख रहा है ये डायग्राम, इसमें क्या आपको ये फ्लैट दिख रहा है, नहीं, ये कैसा है, राउंड है. ठीक है, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, राउंड वर्म. लॉन्ग थिंग ट्यूब लाइक बॉडी होती है इनकी, ठीक है, जिसमें आपको हेड और टेल अलग दिखेगी, डिस्टिंक्ट हेड और टेल. इसमें आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो इनकी हेड और टेल में, और ट्यूब लाइक इनकी बॉडी होती है. नेक्स्ट इसमें आते हैं राउंड वर्म्स, हुक वर्म्स एंड हार्ट वर्म्स. ओके, ये सारे मेंबर्स हैं किसके, फाइलम निमेटोडा के. मोस्टली स्पीशीज इसकी माइक्रोस्कोपिक होती है, लेकिन अगर जो बड़े एनिमल्स हैं इसके वो कुछ मीटर्स लॉन्ग भी हो सकते हैं, मतलब ये माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं और ये काफी ज्यादा लेंथ वाले एनिमल्स भी हो सकते हैं. सबसे यूनिक फीचर इसका गाइस ये याद रखना, इनमें एक झिल्ली होती है, क्यूटिकल होता है, जो कि इनके स्किन सेल्स से डेवलप होता है. कहाँ से डेवलप होता है, ये स्किन सेल से डेवलप होता है, जो कि इसको सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, और इसको हेल्प करता है मूवमेंट में, ठीक है, इसको चिकना बनाती है ये क्यूटिकल, ठीक है, और इसका जो इंटरनल प्रेशर है उसको भी मेंटेन करके रखती है, इसीलिए इनका शेप कैसा होता है, राउंड शेप होता है. गाइज ये पॉइंट ध्यान रखना, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको राउंड शेप देने में सबसे बड़ा जो हम बोल सकते हैं इम्पोर्टेंस वो होता है क्यूटिकल का, जो कि कौन सिक्रीट करता है, स्किन की लेयर सिक्रीट करती है. आई थिंक यहाँ तक आपको सब क्लियर है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे अगर हम आते हैं तो ये भी बायलेटरली सिमेट्रिकल है, मतलब अगर इस एनिमल को हम सेंट्रली कट करेंगे तो ये हमें दो एग्जैक्टली सिमिलर पार्ट्स देगा, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, बायलेटरली सिमेट्रिकल. इसके जो माउथ है उसमें तीन या छह लिप्स हो सकते हैं, तीन से छह, और उन लिप्स के अंदर कुछ दांत जैसे इनर एजेस में कुछ स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं. अब उसमें हमने देखा था फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज में क्या था, माउथ था और उसमें एनस नहीं था. यहाँ पे क्या हुआ, अब माउथ ओपन होता है फेरिंग्स में. आपको सबको पता है माउथ के बाद क्या आता है,
फेरिंग्स आता है, फिर ईसोफेगस आएगा, स्टमक आएगा, इंटेस्टाइन आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, तो यहाँ पे कंप्लीटली डेवलप्ड हम नहीं बोल सकते डाइजेस्टिव सिस्टम को, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ डेवलपमेंट हुआ है. कैसा डेवलपमेंट? सबसे पहले माउथ ओपन हुआ फेरिंग्स में. फेरिंग्स के बाद, फेरिंग्स में क्या होती हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं. डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या करती हैं? कुछ एंजाइम सिक्रीट करती है जो कि हमारे फूड का ब्रेकडाउन करने में हेल्प करती है, मतलब फूड को पचाने में ये एंजाइम्स हेल्प करते हैं. तो एंजाइम्स कहाँ से आते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड से. तो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड स्टार्ट हो जाती है इनकी फेरिंग्स में, ठीक है. वो कुछ एंजाइम सिक्रीट करेंगी और ये हमारे फूड का ब्रेकडाउन करेंगी. उसके बाद इनमें कोई स्टमक नहीं होता है, इनमें डायरेक्ट फेरिंग्स काय में ओपन होती है, इंटेस्टाइन में, आंतड़ियों में फेरिंग्स ओपन होती है, इनमें कोई स्टमक नहीं होता है. इसकी मेन लेंथ कौन बनाता है? मसल लेस इंटेस्टाइन, मतलब ये मसल लेस होती है, इसमें कोई मसल नहीं होती है, ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होता है. तो फेरिंग्स किस में ओपन हुई? डायरेक्ट ओरल कैविटी ओपन हुई फेरिंग्स में. फेरिंग्स डायरेक्टली ओपन हुई इंटेस्टाइन में, यहाँ पे स्टमक प्रेजेंट नहीं है. फिर लास्ट पोर्शन क्या है इसका? रेक्टम, मलाशय, और इसमें क्या आ जाता है? एनस. एनस प्लेटीहेल्मिंथीज में नहीं था, लेकिन निमेटोड्स में एनस प्रेजेंट रहता है, ठीक है. हमने यहाँ पे इवोल्व, मतलब डेवलपमेंट देखा कि कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का भी डेवलपमेंट हुआ है, वैसे ही हर एक सिस्टम का डेवलपमेंट आगे होता जाता है, ठीक है. तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या देखा? फेरिंग्स. फेरिंग्स ओपन किस में हुआ? सॉरी, माउथ. माउथ ओपन किस में हुआ? फेरिंग्स में. फेरिंग्स ओपन हुई इंटेस्टाइन में. इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है रेक्टम, जो कि जिसमें होता है एनस रेक्टम के बाद में, और एनस ओपन होता है एक्सटर्नल एनवायरमेंट में, और वो एक्सक्रीटरी मटेरियल को या वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकाल देता है. ओके, स्टमक इनमें प्रेजेंट नहीं होता है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक अगर हम इसकी देखते हैं, तो ये इनका अगर हम फीडिंग देखते हैं, जस्ट अ मिनट, इनका अगर हम फीडिंग देखते हैं तो ये कुछ एल्गी होती हैं या फंगी होती हैं या डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फीकल मैटर. फीकल मैटर मतलब जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उस पर मेनली फीड करते हैं. इनमें आते हैं एस्कैरिस, हुकवर्म्स, पिनवर्म्स, विपवर्म्स एक्सेट्रा. ओके, ये अलग अलग एनिमल्स को नाम दिया है उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम बात करते हैं निमेटोड्स की, तो ये हमारे एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर के लिए, मतलब खेती बाड़ी के लिए या बागवानी के लिए इम्पॉर्टेंट भी हो सकते हैं और उनको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. कैसे? दो कैटेगरीज इसकी होती हैं. सबसे पहली होती है प्रिडेटरी. प्रिडेटरी मतलब मांसभक्षी या शिकारी हम जिसको बोल सकते हैं, जो कि जितने भी गार्डन में पेस्ट, पेस्ट मतलब जो भी कीटाणु है या वीकेन से जो भी फसल को नुकसान पहुंचाने वाले एनिमल्स हैं उनके ऊपर फीड करती है. एक स्पीशीज तो ये हो गई. दूसरी स्पीशीज होती है पेस्ट की स्पीशीज, पीड़क की स्पीशीज होती है, जो कि हमारी जो प्लांट्स रहते हैं उनकी रूट्स को डैमेज कर देती है. तो यही हमने निमेटोडा के दो टाइप के हमने यहाँ पे एनिमल्स देखे. सबसे पहले एनिमल्स वो जो कि प्रिडेटरी हैं, शिकारी हैं, जो कि पीड़क के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको खाते हैं वो पीड़क जो हमारी फसल का नुकसान कर रहे हैं. और दूसरी कैटेगरी वो होती है जो खुद एक पेस्ट होती हैं, जो खुद एक पीड़क होती हैं और वो हमारी फसल को नुकसान पहुंचा सकती है. तो ये बहुत जरूरी है कि हम अगर हमारी खेती के लिए हम निमेटोड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो कौन से निमेटोड हमारी खेती के लिए या हमारे हॉर्टिकल्चर के लिए अच्छे हैं उनको सिलेक्ट करना, ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वो फसल को बढ़ा भी सकते हैं और फसल को बर्बाद भी कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट स्यूडोसिलोमेट. स्यूडोसिलोमेट मतलब इनमें सीलोम नहीं होता है. एक ऐसा सीलोम जैसा दिखने वाली कैविटी होती है, गुहा जैसी दिखने वाली कैविटी होती है, लेकिन वो सीलोम नहीं होता है. ओके, लास्ट ये क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इसमें तीनों लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. ओके गाइज, आई थिंक आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया है. अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन करना हो, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या आपको हमारे वीडियो के नीचे एक लिंक दी हुई है, आप वहाँ देख सकते हैं. वो टेलीग्राम की लिंक है, आप हमें वहाँ से डायरेक्ट मुझसे आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू.
हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसकी भी टेलीग्राम लिंक आपको देखे रखी है, जहाँ पे आपको सब फैकल्टीज मिल जाएंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है इस बारे में या आपको कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप मुझे वहाँ से जुड़ सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले आता है माउथ, नेक्स्ट स्टाइलेट। स्टाइलेट एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको यहाँ बताती हूँ। इसके हेड पे, मतलब प्लांट से अटैच होने के लिए, उसको पंक्चर करने के लिए स्टाइलेट की जरूरत होती है, ताकि ये एनिमल जो है वो प्रॉपरली अटैच हो सके। जैसे सकर था प्लेटीहेलमिंथीज में, वैसे ही स्टाइलेट है निमेटोड्स में, जो कि उनको किसी भी सबस्ट्रेट से अटैच होने में हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद क्यूटिकल। क्यूटिकल मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इसको एक कैरेक्टरिस्टिक राउंड शेप देता है। इंटेस्टाइन है, ओवरीज, टेस्टीज। ओवरीज मतलब इसमें मेल और फीमेल अलग होते हैं, ये हर्मेफ्रोडाइट नहीं होते हैं। ओवरीज मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, टेस्टीज मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजाइना मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ओपनिंग, और स्पिक्यूल्स होता है मेल्स में, जो कि एक मेटिंग स्ट्रक्चर होता है। मेटिंग स्ट्रक्चर मतलब जब भी कॉपुलेशन होगा या जब भी मेटिंग होगी, तब ये स्पिक्यूल्स हेल्प करेंगे मेल को फीमेल से अटैच होने में। लास्ट आता है एनस और टेल। ओके, तो ये स्ट्रक्चर हमने देखा निमेटोड्स का, इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं हमने वो देखी, इनके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं हमने वो देखे। आई थिंक आप सबको यहाँ तक सब क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि सीलोमेट्स में कौन कौन इंक्लूडेड हैं, मॉलस्क, एकाइनोडर्म्स, एनीलीड्स एक्सेट्रा। ओके, तो यहाँ अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ओके तो वो मुझे फीडबैक आप कमेंट में दें, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। ओके, टिल देन थैंक यू। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट को।